हे गाइस, आज हम देखेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, ये गेट 2015 में आया था। ये क्या कह रहा है कि एक प्रोसेसर है, रीड रिक्वेस्ट टेकन 50 नैनो सेकेंड, सिर्फ रीड की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन कैश मिस, इसमें क्या है, कैश मिस की बात कर रहा है। बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कैश मिस हमें टाइम कितना, टाइम की बात कर रहा है ये। टाइम फॉर कैश मिस इज 50 नैनो सेकेंड, और अगर कैश हिट हो जाती है तो उसका टाइम है 5 नैनो सेकेंड्स। ओके, डायरेक्टली हमें कैश के बारे में बता दिया गया, मिट और हिस के बारे, हिट के बारे में। ठीक है ना, तो अब क्या है, सपोज वाइल रनिंग अ प्रोग्राम इट वाज ऑब्जर्व्ड 80% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट रिजल्ट इन कैश हिट। सिर्फ रीड की बात की, यहाँ पे राइट की बात ही नहीं हो रही, तो हमने भी राइट का कोई मतलब देखना नहीं है कि राइट है या नहीं है। ठीक है, तो 80% है जो हमारे यहाँ वो रीड रिक्वेस्ट हैं। जो अगर मान लीजिए 100 मेरे पास टोटल रीड रिक्वेस्ट हैं, उसमें से 80 हिट है एंड 20 मिस है। इसका मतलब 80% का अगर हम करके देखें तो 0.8 एंड 0.2। ठीक है, 0.2 मिस हो गई और 0.8 हिट हो गई है। द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड में पूछा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है कि कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले मैं कैश अपना हिट का टाइम लिखता हूँ, दैट इज 0.8, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ऑब्वियसली जो मेरा कैश हिट टाइम है दैट इज 5 नैनो सेकेंड्स। ओके, प्लस इसके बाद क्या करते हैं हम गाइस, इसके बाद हम करेंगे 1 माइनस कैश हिट दैट इज 0.8। ये क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, जो कैश मिस था मेरा जो हमने यहाँ पे निकाला था। इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, 50+5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे हमें मिस पेनल्टी नहीं लेनी। क्यों नहीं हमें मिस पेनल्टी लेनी, बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्टली कैश हिट और कैश मिस का टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब कैश मिस में ना ये जो 5 नैनो सेकेंड है इंक्लूडेड है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कैश मिस का अगर टाइम दिया, कि अगर कैश मिस हो जाती है तो अगर एक्चुअली में 45 सेकेंड लगते थे तो उसको मिला के 50 सेकेंड्स बने, मतलब कैश हिट को मिला के, कि एक बार हमने जब कैश हिट कर ली तो हमें कैश हिट मिस का डायरेक्टली टाइम दिया हो, दैट इज 50 नैनो सेकेंड्स। ओके, तो ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज अराउंड, ये आ जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 14 नैनो सेकेंड्स। सो इसका आंसर क्या आ गया, नैनो सेकेंड में 14। ओके, ये 2015 में पूछा था, इसमें यही बस कैच था कि यहाँ पे 55 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कैश मिस का डायरेक्टली हमें टाइम दे रखा है, जिसमें हमारे जो क्या कहते हैं इन मतलब टाइम सारे इंक्लूडेड हैं, जो भी डिलेज हुए। ठीक है, 50 के अंदर ही, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच।